हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्पैरो विला का मटेरियल, मतलब स्पैरो के लिए जो घर बनाते हैं बर्ड हाउस। इसका अब मैं इसके पार्ट के बारे में आपको समझा देता हूँ कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये है, ये हो गया इसका पीछे का पार्ट जो बनेगा उसके बाद में, ये है आगे का पार्ट्स, ये और ये दोनों साइड का पार्ट्स है, ये है ऊपर का पार्ट्स। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों पार्ट्स में अलग अलग होते हैं। जैसे सिर्फ 4 mm का डिफरेंस होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये डिफरेंस देख के दोनों पार्ट्स अलग कर लेना है आपको। और ये है नीचे का पार्ट्स। अब हम शुरू करते हैं बनाने की प्रोसेस। देखिए, पहले सबसे पहले इसको लेना है, ये ऐसे बिना फेविकोल के भी बन सकता है, लेकिन हम प्रिफर करते हैं आपको फेविकोल से ही बनाए। अब ऊपर नीचे कर जवाना नहीं, पहले इसमें फेविकोल लगा दिया, उसके बाद में ये दोनों साइड में फेविकोल लगा दीजिए। इसमें जो दाग वाला भाग रहता है, लेज़र में कटिंग होता है तो ये दाग वाला भाग होता है, वो अंदर की साइड में रखें, मतलब वहाँ आपके फेविकोल लगाओगे तो अंदर के साइड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इस तरह से, है ना। इसके बाद में ये पीछे वाला भाग ले लीजिए, यहाँ फेविकोल लगा दिए और यहाँ तो लगाया हुआ ही है हमने अभी। देखिए इसके बाद में इसको ऐसे लगा दो, फिर ये फेविकोल ये सब जगह पे लगा दीजिए। मतलब ज़्यादा फेविकोल लगाओगे उतना ज़्यादा हमारा ये स्पैरो विला टिक पाएगा। या सभी जगह पे फेविकोल लगा दीजिए। ये फेविकोल की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जितना ग्लू हम लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसको स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ सभी जगह पे लगा दीजिए, ध्यान से देखिए ये किस किस जगह पे लगाना है। ये बॉर्डर पे लगाना है, ये लगा दिए हमने सभी जगह पे फेविकोल। अब सबसे पहले ये साइड वाला पार्ट से ले लीजिए और इसको दोनों साइड से ऐसे डाल दीजिए, फिर ये साइड वाला पार्ट्स, पहले दोनों का साइड वाला पार्ट्स और फिर इसमें जो भी दाग वाला भाग रहेगा वही अंदर लेना है। इसमें बाहर अच्छा भाग दिखाई देगा, और ये जो हॉल है वो ऊपर की साइड में रखना है। फिर ये दूसरा पार्ट्स हो गया ऑलमोस्ट रेडी। फिर यहाँ लॉक लगेगा, तो लॉक जहाँ पे लगाना है वहाँ भी थोड़ा थोड़ा फेविकोल आप लगा दीजिए ताकि लॉक निकले नहीं। ये 8 जगह होती है जहाँ पे लॉक लगता है, 8 जगह पे थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा दीजिए, फिर इसको ऐसे लॉक कर दीजिए ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे हमने जो भी आपको पार्सल भेजा है उसमें कोई भी पार्ट्स कम निकले तो आप हमें बता सकते हैं, हम फिर से उसको कुरियर कर देंगे। मतलब कम पार्ट्स में बनाए नहीं आपको, बाद में ये बाकी रहा।
ये दो पट्टी हमने दी रखी है इसमें, ये दोनों को एक साथ में लगा के ऐसे चिपका दीजिए, फिर यहाँ से बहुत सही तरह से फेंक और लगा के यहाँ रख दीजिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्पैरो बैठती है और अपने जब बच्चे होते हैं उसको यहाँ से बैठ के यहाँ खिलाती है, यहाँ से दाना देती है उसको, और इसके अंदर कम से कम 3 बच्चे होते हैं, और उसके बाद में स्टिकर लगा दीजिए। ये हो गया हमारा स्पैरोविला रेडी। अब इसकी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको ये कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। ये बना हुआ है लकड़ी का, हमने ये लास्ट 5 ईयर से ये काम कर रहे हैं, मतलब ये स्पैरो के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसके अंदर स्पैरो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता है ये लकड़ी का नेस्ट, बराबर, तो हमने इसलिए ये लकड़ी का बनाया है, मतलब MDF का बनाया है, तो ये उसके लिए बहुत सही है। और आपको इंस्टॉल ऐसी जगह पे करना है जहाँ बारिश और धूप बिल्कुल ही ना आती हो, मतलब लाइट आती हो वो चलेगा, डायरेक्ट उसके ऊपर धूप ना आनी चाहिए। इसके ऊपर स्पैरो जो है वो जब भी अपना घोंसला बनाने के लिए जो जगह सिलेक्ट करती है तो पहले ये देखती है कि वहाँ ज़्यादा धूप ना हो और बारिश ना हो, क्योंकि उसको उसके जो अंडे होते हैं उसको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है, तो टेम्परेचर जहाँ एक एक समान रहता हो वैसी जगह पे ही वो अपना घोंसला बनाती है। इसको पेड़ के ऊपर को बिल्कुल ही ना लगाए, इसको ये बालकनी में लगाए या अपना कोई छत के नीचे लगाए, टेरेस में कहीं भी वो आपने सोलार रखा हो उसके नीचे भी लगा सकते हो, वैसे जहाँ धूप और बारिश ना आती हो ऐसी जगह पे लगाए तो बहुत सही रहेगा, और जल्दी ही स्पैरो आके इसके अंदर घोंसला बनाएगी। ये जो हॉल है इसको भी आप बड़ा या छोटा कुछ भी ना करें, ये हमने 5 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये फिक्स साइज़ का हॉल बनाया है, तो इसके अंदर भी आपको कुछ फेर बदल करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई भी क्वायरी हो तो गूगल पे भी हमारा हंस आर्ट ग्रुप का ये वीडियो और सब रहता है, उसके अंदर आप भी देख सकते हो। और ये हो गया फाइनली हमारा तैयार, आप लगा के 2 और लोगों को लगाने का बोलिए, या फिर किसी को भी ये काम करने के लिए मोटिवेट कीजिए तो सही रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पैरो बचेगी, ये ही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।